ठीक है, अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। मैंने यहां पे बोला कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड है, ये बात मैंने बोल दिया था। मेरे कमेंट्स नहीं देख रहे हैं, कमेंट दिख रहे हैं ना भैया, पीले कलर का दिल है आपके पास। सर आप मेरे कमेंट्स नहीं ले रहे हैं, कमेंट्स कीजिए, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो किसी भी एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स पे, एट एनी एनर्जी स्टेट्स, ध्यान से समझ लीजिएगा और ज्यादा इसमें सोचिएगा मत। एट एनर्जी, एट एनी एनर्जी स्टेट्स, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जब हम लोग लिखना चाहें तो ये ऐसा लिखाता है। मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लिखना चाहें तो ये लिखाता है -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर और उसके साथ है जेड स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जो काफी सारे क्वांटिटीज कॉन्स्टेंट वैल्यूज को लेके बनाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव साइन क्यों आया, ये सब के बारे में एनालिसिस करने का अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम वो सब चीजें यूज नहीं करेंगे। फिर भी इस एनर्जी से रिलेटेड जितने भी रिमार्केबल चीज है वो सारे चीजें मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जेड जो है वो आपका एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, और एन जो है वो आपका एनर्जी स्टेट का नंबर है या फिर क्वांटम नंबर है। सो ये जो है ये एनर्जी स्टेट का नंबर है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं कि अगर मैं यहां पे ले लूं कि Z की वैल्यू 1 है या फिर हाइड्रोजन एटम है और N की वैल्यू यहां पे 1 है, तो इन दोनों को कंबाइन करूं तो हमारे पास यहां पे E1 आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू -13.6। ये मेरा पहला पॉइंट है। ठीक है, अब मैं यहां पे दूसरा पॉइंट लिखता हूं। सर दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट ये कि अगर मैं इसी Z की वैल्यू को 1 ले लूं और N की वैल्यू को भी 1 ले लूं तो मेरे पास यहां पे E2 आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय N स्क्वायर, तो ये लगभग -3.4 के आसपास आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसी चीज को तीसरा ले लूं, थर्ड पॉइंट, अगर मैं इसी चीज को ऐसा ले लूं कि Z इज इक्वल टू 1 और N इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे N इज इक्वल टू 2 है, Z इज इक्वल टू 1 एंड N इज इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूं, थर्ड एनर्जी एनर्जी स्टेट पे मेरा एनर्जी जो है वो E3 जो है वो -1.5 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो N जो है वो ये N को थोड़ा हम लोग लिखते हैं, ये आपका क्वांटम नंबर है। करेक्शन कर लेंगे थोड़ा सा, या फिर ये एनर्जी लेवल है, या फिर ये शेल है, या फिर ये ऑर्बिट है। ठीक है, जब मैंने ऐसा लिखा तो सभी के दिमाग में आया, सर आप एनर्जी के बारे में लिख रहे हैं तो इसका कोई यूनिट होगा। मैंने बोला हां यूनिट है। क्या यूनिट होगा? सर जूल्स होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, नहीं तो हम तो यहां टेबल सोच रहे हैं। क्या -13.6 टेबल है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपकी ईडीसी में जितने भी एनर्जीज है वो सारे एनर्जीज को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये 13.6 -13.6 ये क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। -3.6 ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और -1.5 ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और एक बात और कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू
1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 जूल्स। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 जूल्स को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में और भी कुछ जानेंगे आगे के लेक्चर्स में, लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास डेटा आया है उन डेटा को हम लोग कैप्चर करते हैं स्मार्ट तरीके से। तो जब डेटा को कैप्चर किया तो मेरे को पहला डेटा मिला माइनस 13.6 का, दूसरा डेटा मिला मेरे पास माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और तीसरा डेटा मिला मेरे पास माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये तीनों डेटा को मैं अरेंज किया तो मुझे इनसे आइडिया होना चाहिए कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे है, या फिर ऑर्बिट पे है, या फिर एनर्जी क्वांटम नंबर पे है। तो इन तीनों में से कौन सा ज्यादा है, अगर मैंने पूछा किसी से तो सभी ने आंसर किया कि सर सबसे ज्यादा एनर्जी तो E1 पे है। इसका मतलब है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, इज ग्रेटर देन E3, इज ग्रेटर देन E4, ये ऐसा रहेगा। इसका मतलब है कि इसका एक स्टेटमेंट हम लोग बना देते हैं, एज वी आर मूविंग, एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस, अगर आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट, जो है डिस्ट्रैक्ट है गया थोड़ा सा माइंड, जो है वो चाय पीने के बाद कंसंट्रेट होने की बजाय डिस्ट्रैक्शन हो गया है। यस, एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। क्यों ऐसा? क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। तो माइनस 13.6, माइनस 3.4, माइनस 1.5, इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो आपका ये वाला है, दिस इज हैविंग द हाईएस्ट एनर्जी, इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है कंपेरेटिवली, और ये जो है ये सबसे लोएस्ट एनर्जी रखा हुआ है, ये सबसे लोएस्ट एनर्जी रखा हुआ है। तो बस यही बात मैंने यहां पे बोला, एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग एक डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना और समझते रहना, जिंदगी जो है वो बदलने वाली है आपकी। सर जिंदगी जो है वो तो उसी समय बदल गई थी जब हम लोगों ने स्मार्ट कोर्स लिया था। यस, सेम वही बात, एक ही बात है, इटमास कोर्स में पढ़ो या फिर स्मार्ट कोर्स ले लो, दोनों कंडीशन में जिंदगी बदल जाएगी। तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा बड़े साइज का बना देते हैं, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर पे प्लेस कर दिया, ठीक है? अब इस इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे मैं इधर से इधर मूव करूंगा, ध्यान से देखते रहेंगे मेरी उंगली को, इस इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे मैं इधर से इधर मूव करूंगा, इस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो बढ़ती रहेगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के पास ले आता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि पहले वाले एनर्जी स्टेट पे या फिर पहले वाले एनर्जी लेवल पे आपकी जो एनर्जी है जिसको हम E1 के नाम से लिखते हैं, ये आपका माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरे वाले में आपके पास जो एनर्जी है ये लगभग आपके पास माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तीसरे वाले में जो एनर्जी है ये आपके पास लगभग माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब है एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी।
इसका मतलब है सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा, चीजों को पकड़ते रहिएगा। देखिए किसी भी, ये जो चार्ज है इसकी चार्ज क्या है सर, ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसकी चार्ज क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है। कोई पॉजिटिव, देखिए एनर्जी क्या है, एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, मतलब काम कितना किया गया, एकदम लेमैन की भाषा में, आसान भाषा में समझेंगे, द वर्क डन फॉर डूइंग एनी वर्क, जितना भी काम आपने किया है वही जो है वो एनर्जी के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैंने लिया और इससे मैं वर्क करवाना चाह रहा हूं, तो वर्क कैसे होगा, या तो ये अंदर की ओर जाएगा तो काम होगा, या तो ये बाहर की आएगा तो काम होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने किसी पोजीशन से अंदर की ओर जाता है तो हमको ये पता है, ध्यान से सुनना, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फोर्स में अगर वर्क करना है तो इलेक्ट्रॉन की एक टेंडेंसी है कि वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की ओर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहां पे ये जो नेगेटिव साइन है इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगा, पहले समझ लो, इसी चक्कर में मत फंसो, चीजों को समझ लो जो आपको गेट के लिए जरूरत है, स्मार्ट तरीके से बढ़ो। मैंने बोला कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव की ओर ले जा रहे हैं तो ये नेचुरल टेंडेंसी है कि नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा ही जाएगा, अनटिल अनलेस उसको कोई रोक के ना रखे। तो अगर कोई नेगेटिव पॉजिटिव के पास जा रहा है और आपने बोला कि सर मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव के पास पहुंचा दिया, मैंने काम किया, तो मैं बोलूंगा कि नहीं भैया तूने काम नहीं किया, क्योंकि नेगेटिव की टेंडेंसी है कि वो पॉजिटिव के साथ पास खुद ब खुद चले जाता है, आपको इसके लिए कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से दूर जा रहा है तो मैं बोलूंगा कि भाई तूने एफर्ट लगाया, क्योंकि आपने अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट काम किया, अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट अगर कोई वर्क किया जाता है तो वहां पर एफर्ट लगेगा, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स के टूवर्ड्स कोई काम किया जाता है तो वहां पर कोई एफर्ट नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है अगर कोई इलेक्ट्रॉन की इतनी हिमाकत हो गई, इफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एबल टू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन वी कैन से दैट दिस इलेक्ट्रॉन हैज डन सम वर्क एंड देन दैट वर्क इज सेट टू बी ए पॉजिटिव वर्क, वो जो काम है वो पॉजिटिव हुआ है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और वो पॉजिटिव के पास जाता है तो आई विल से देर इज नो वर्क डन, बिकॉज इट इज द नेचुरल टेंडेंसी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव के पास जाएगा ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पेन को छोड़ देता हूं तो ये पेन जो है वो नीचे गिरेगा ही, तो इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको नीचे से ऊपर उठा रहा हूं तो डेफिनेटली वी कैन से कि मैंने कुछ वर्क किया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के टूवर्ड्स अगर आप कोई काम करते हैं तो वी कैन से देर इज नो वर्क, बिकॉज दिस पेन हैज द टेंडेंसी टू ड्रॉप एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, देर इज नो वर्क डन, और द वर्क डन इज सेट टू बी नेगेटिव। लेकिन इफ वी आर मूविंग दिस पेन अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स देन वी कैन से डेफिनेटली यू आर डूइंग सम वर्क, बिकॉज यू आर मूविंग दिस पर्टिकुलर पेन अवे फ्रॉम द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन। I think you must have understood what I want to say. So similarly, if the electron is moving towards the nucleus, the work done is said to be negative and there must be no work done. If the electron is moving away from the nucleus, the work done is said to be positive. That's why this quantity is negative. ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन को आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका वर्क डन डिफाइन किया जाता है। तो जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका वर्क डन जो है वो पॉजिटिव की ओर चला जाएगा, जैसे जैसे आप उसके पास आते जाएंगे जो आपका वर्क डन जो है वो नेगेटिव की ओर चला जाएगा।
आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन एंड हाउ द वर्क हैज बीन डन. तो इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिसाइडिंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस वी कैन से द एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज मस्ट बी हाई. अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा पाया है वो तभी पॉसिबल है जब उसकी एनर्जी ज्यादा हो. इसलिए जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर स्थित होता है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होती है. मैं इस पेन को जितना ऊपर उठा लूंगा मैं उतना एनर्जी इसमें लगाया हूं ये बोलूंगा. इस पेन को जितना मैं नीचे लेके आऊंगा मैंने उतना कम एनर्जी लगाया है ये बोलूंगा. सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बिकॉज द एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन टू मूव ए पार्टिकल अवे फ्रॉम द अट्रैक्शन फोर्स. तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन लाई करता है तो उसकी एनर्जी से ज्यादा है. इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर लाई करता है एक इलेक्ट्रॉन बाहर लाई करता है तो ये बाहर जो लाई करता है इसकी एनर्जी अंदर जो इलेक्ट्रॉन लाई करता है उससे ज्यादा है. क्योंकि ये जो है ये इतना दूर आ पाया क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा थी, अदरवाइज ये इतना दूर नहीं आ पाता. अब मान लीजिए कि एनर्जी जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है और आप मान लीजिए कि आपने एक्सटर्नल कोई एनर्जी इसमें प्रोवाइड किया है ना, आपने कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नली कोई एनर्जी आपने इस एटम को क्या किया सर, प्रोवाइड किया. तो इस एनर्जी को सबसे पहले यूज कौन करेगा, इस एनर्जी को सबसे पहले यूज वो करेगा जो सबसे लूजली बाउंडेड है. ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट शेल में है ये लूजली बाउंडेड है. इसके लूजली बाउंडेड होने का कारण क्या है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एफ के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है. अगर डिस्टेंस ज्यादा है, दोनों अलग अलग चीज है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये लूजली बाउंडेड है. तो एनर्जी तो सबको मिलेगी लेकिन जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को मम्मी पापा को छोड़ के भागेगा. तो ये घर का वो बच्चा है जो आसानी से अपने पेरेंट्स को छोड़ सकता है. सर घर में जो छोटा बच्चा होता है यंगर वन ये कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ता है, लेकिन एल्डर जो है वो चलना सीख लेता है कमाना सीख लेता है तो वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को छोड़ के भागता है. तो दिस इज द एल्डर सन. तो जब भी इसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी क्या, एनर्जी क्या मतलब, क्या क्या मतलब, यहां पे हम लोग उसको पैसे से तौलते हैं. मान लीजिए यहां पे तो जैसे ही पैसा मिला ये जो है ये कहां चला गया सर, ये गोवा चला गया. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अगर अपने घर से गोवा चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन गोवा जाने के बाद इस एटम का पार्ट नहीं रहा तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉन का नाम फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया. ठीक है, सो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट इनसाइड द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट नाउ नॉट द पार्ट ऑफ द एटम. ठीक है, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट द पार्ट ऑफ द एटम. सो मैं यहां पर लिख दिया दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट पार्ट पार्ट ऑफ एटम. तो ये जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है. नाउ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड एनीवेयर. ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी घूम सकता है, इट कैन मूव एनीवेयर. बट वेन एवर इट इज मूविंग जहां भी ये जाएगा वहां पे एक एनर्जी स्टेट का होना जरूरी है. क्या बात कर रहे हो सर, यस ये जहां भी जाएगा वहां पे एक रूम तो लेगा, रहेगा तो भाई, तो इसके लिए भी एनर्जी स्टेट का होना जरूरी है. तो यहां पे भी एक एनर्जी
एनर्जी स्टेट का होना जरूरी है। इसका मतलब है आउटसाइड द एटम, आउटसाइड द एटम वेर एवर द इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्टिंग, इट इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन द एनर्जी स्टेट्स। आउटसाइड द एटम वेर एवर द इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्टिंग, इट इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन द एनर्जी स्टेट्स। सो मीन्स गोवा में जाके भी इसको एक रूम लेना पड़ेगा, एंड दैट रूम इज नथिंग बट द बेड ऑफ द रूम इज नथिंग बट, रूम में जो बेड है इसने बुक किया ना, दैट इज नथिंग बट एनर्जी स्टेट्स, दैट इज नथिंग बट द एनर्जी स्टेट्स। तो आई थिंक दैट आई हैव टोल्ड यू इनफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज एनर्जी स्टेट्स। दिस इज अबाउट दिस। नाउ देयर इज अनदर थिंग, वेन एवर वी आर प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट, जो इलेक्ट्रॉन अंदर के एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, अंदर के एनर्जी लेवल पे, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एनर्जी लेवल से बाहर के एनर्जी लेवल में आ सकते हैं। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि अंदर है वो बाहर आ सकता है, और जो यहां पे है वो यहां आ सकता है। ये कभी नहीं होता कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है और वो कहीं बीच में यहां पे आके अटक गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज हियर वी डोंट हैव एनी एनर्जी स्टेट। यहां पे हमारे पास कोई भी एनर्जी स्टेट अवेलेबल नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज लाइज इन द एनर्जी स्टेट। वेन एवर देयर एग्जिस्ट एनर्जी स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स मूव टू दैट स्टेट। सींस द डिफरेंस बिटवीन टू, मेरी बात एक एक चीज सुनना ध्यान से, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जो खाली जगह है, द स्पेस बिटवीन दिस टू विल नॉट हैव एनी एनर्जी लेवल। सो ऑलवेज द एनर्जी लेवल एग्जिस्टिंग एट ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ये कहीं भी अवेलेबल नहीं होता। तो ये जो एनर्जी स्टेट है ये कंटिन्यूस भी नहीं होता, ये ऐसा भी नहीं होता। देयर मस्ट बी ए फिक्स डिस्टेंस, एंड बिफोर दैट फिक्स डिस्टेंस देर इज नो एनर्जी स्टेट अवेलेबल। इफ देर इज नो एनर्जी स्टेट अवेलेबल, द इलेक्ट्रॉन्स नेवर लाई इन बिटवीन टू ऑर्बिट्स। सो दो ऑर्बिट के बीच में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स लाई नहीं कर सकता। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज लाइंग आइदर इन द इनर एनर्जी स्टेट और दिस एनर्जी स्टेट्स और दिस एनर्जी स्टेट्स। और इसके ऊपर अगर और कोई एनर्जी स्टेट है तो वहां, नहीं तो सीधे बाहर, सीधे गोवा। सो आइदर द इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्टिंग इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग आउटसाइड द एनर्जी लेवल टू गोवा। सो देर इज नो स्पेस अदर देन दिस एनर्जी लेवल वेयर द इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट। और कोई स्पेस नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सके। इसका मतलब है यहां पे आपके पास कोई भी अलाउड एनर्जी लेवल नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सके। तो एनर्जी लेवल का फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, उसी फिक्स्ड डिस्टेंस में एनर्जी लेवल प्रेजेंट होते हैं। वैसी एनर्जी की भी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। दिस इज ए फिक्स्ड वैल्यू। एनर्जी की भी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। इससे कम ज्यादा वैल्यू में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो अगर मेरे पास मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल E3, मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट सब्स्ट्रैक्ट दिस वन, E3 - E2 है ना। तो E3 कितना है मेरे पास? -1.5 है। और E2 कितना है? ये है -3.4। ये दोनों का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या है? -1.5 + 3.4। तो 3.4 से 1.5 को सबस्ट्रेक्ट करते हैं, सो दैट इज गिवन बाय, ये आपके पास आ जाएगा 9, है ना। ये आपके पास आ जाएगा 14.5, सो दिस इज 9 एंड दिस इज 2.9 आई थिंक। सो दिस इज प्लस, है ना, 1.9, सॉरी। सो ये आपके पास डिफरेंस है, आई थिंक यू आर गेटिंग मी, ठीक है। अगर ये 1.9 है आपके पास, तो ये जो 1.9 है, जब तक इस एनर्जी को आप प्रोवाइड नहीं करेंगे
तब तक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी और एनर्जी, सपोज आई एम प्रोवाइडिंग द एक्सटर्नल एनर्जी टू शिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन, शिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन, ठीक है। मैं किसी इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी दे रहा हूं ताकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां चला जाए, कहां से कहां चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहां है वो यहां चला जाए, और एक्सटर्नल एनर्जी दे रहा हूं, और इस एनर्जी की वैल्यू जो है वो समझ लीजिए कि मैं यहां पे 1.5 दे रहा हूं, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। लेकिन रिक्वायर्ड कितनी वैल्यू है सर? रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो 1.9 है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अंटिल अनलेस वी आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी दैट इज इक्वल टू दिस और ग्रेटर देन दिस, इफ द एक्सटर्नल एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द एनर्जी गैप बिटवीन E3 माइनस E2, द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट एक्सेप्ट दैट एनर्जी। मेरी बात ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, 1.9 है ना? हाँ, तो यहां पे मैंने बोला कि अंटिल अनलेस वी आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द एनर्जी गैप बिटवीन दिस टू, द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट एक्सेप्ट दैट एनर्जी। तो वो एनर्जी क्या होगा? जो 1.5 अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दिखा, ये जो है ये ट्रांसमिट हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये जो है ये ट्रांसमिट एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड। लेकिन अगर आपने 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिया तो ये एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेवल पे, शिफ्टेड टू नेक्स्ट लेवल, शिफ्टेड टू नेक्स्ट लेवल। सो रिक्वायरमेंट क्या है? वेन एवर वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी द एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स और टू एनर्जी लेवल्स। मेरी बात समझ पाए क्या? एक बार हरी झंडी दे देंगे बेटा, एक बार जो है वो ग्रीन मार्क से बता देंगे कि आपकी बात सर आंखों पे सर हम समझ गए हैं। सो वेन एवर वी आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स। इफ द एनर्जी इज लेस देन द डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स द एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब, द एनर्जी विल गेट ट्रांसमिटेड। सो इफ यू वॉन्ट द एनर्जी मस्ट बी एब्जॉर्ब, देन योर एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिट्स। वेरी गुड, सभी ने हरी झंडी दे दिया है, आई लाइक यू। ठीक है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है तो वो अपने परिवार को सबसे पहले छोड़ेगा। सो इफ एन इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंडेड दैट इलेक्ट्रॉन विल लीव इट्स परिवार फर्स्ट। ट्रांसमिटेड मींस वो ट्रांसमिट हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे ये एनर्जी आई और ये बाहर ट्रांसमिट हो गया, ये कितनी एनर्जी थी? मान लीजिए ये एनर्जी जो है ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और आपको रिक्वायर्ड कितना था? 1.9। सो दिस एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब, दिस विल गेट ट्रांसमिटेड आउट ऑफ द एटम। सो ये कहां चला गया? ये आउट ऑफ एटम चला गया, एटम से बाहर चला गया। ठीक है, तो कुछ बातें मुलाकातें किए बिना मैंने आपको बता दी। और एक और बात बेटा, क्या बात सर? आप किसी इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर है उसको अंदर भी ले जा सकते हैं क्या? यस, द इलेक्ट्रॉन विच इज रिसाइडिंग हेयर वी कैन मूव दैट इलेक्ट्रॉन इनसाइड, है ना? उस इलेक्ट्रॉन को आप अंदर की ओर भी ले जा सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज रिसाइडिंग समवेयर हियर वी कैन मूव दिस इलेक्ट्रॉन इन साइड सो वेन एवर द आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनर साइड तो ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जाता है एक और बना लेते हैं डिस्टर्ब कर रहा है मुझे है ना मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है जिंदगी में तो ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है और मेरे पास मान लीजिए ऑर्बिट्स है ठीक है ये एक ऑर्बिट है ध्यान से सुन लेंगे बेटा सभी लोग जिंदगी जो है वो आपकी सुधरने वाली है सुन लेंगे ध्यान से सभी बच्चे यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है अब मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिट में चला जाए तो अब तो एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है तो ये क्या करेगा सर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो एनर्जी रिलीज करेगा तो अगर इस टाइप का कोई मूवमेंट होता है जहां पे बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जाता है तो वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है क्योंकि बाहर आउटर शेल में आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है इसी प्रकार अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पे अवेलेबल है कहां पे सर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पे अवेलेबल है और ये इलेक्ट्रॉन इसके और अंदर चले जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन इसके और अंदर चले जा रहा है इस केस में भी आपके पास यहां से जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इन दोनों एनर्जी स्टेट का जो डिफरेंस है इन दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है या फिर इन दोनों ऑर्बिट का जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी आपकी रिलीज होगी बाहर आएगी है ना तभी ये पॉसिबल है मतलब ये एब्जॉर्ब करने की बजाय एनर्जी को रिलीज करेगा क्या करेगा एनर्जी को रिलीज करेगा एनर्जी को रिलीज करेगा रिलीज करेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा सर इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी तो यहां पे कितना है ये E3 है यहां पे कितना है ये E2 है E2 की एनर्जी कितनी है सर ये 3.4 है माइनस इसकी एनर्जी कितनी है सर ये -1.5 है ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये कितना एनर्जी रिलीज किया सर ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है सर ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा वेरी गुड बेटा उसी प्रकार अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो ये भी एनर्जी को रिलीज करेगा एनर्जी को रिलीज करेगा है ना और ये कितना एनर्जी रिलीज करेगा ये आपका E2 माइनस E1 के बीच में जो डिफरेंस आएगा उतनी एनर्जी रिलीज करेगा इसका मतलब है कितनी एनर्जी रिलीज करेगा सर यहां पे आपने बोला 3.4 है और ये आपका -13.6 है तो आपका जो एनर्जी है वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये प्लस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी ये जो है वो रिलीज करेगा ठीक है तो ये 6-4 दैट इज इक्वल टू 2 और ये जो है ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा तो ये जो एनर्जी की वैल्यू होती है ये फिक्स्ड होती है ये चेंज नहीं होती ये फिक्स्ड है और ये जो एनर्जी है ये भी फिक्स्ड है एनर्जी रिलीज तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा बेटा ये तो एनर्जी लिबरेट कर रहा है डिसिपेट कर रहा है ये पॉजिटिव में रहेगा ना आप देखो इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा एनर्जी रिलीज पॉजिटिव में है दिस इज ए पॉजिटिव वैल्यू ठीक है सो यहां पे आपके पास की पॉइंट्स क्या है
पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द इलेक्ट्रॉन्स एट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन एट आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज लूजली बाउंडेड विथ द न्यूक्लियस। सेकेंड, वेन द एटम एब्जॉर्ब एनर्जी द इलेक्ट्रॉन एट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑर्बिट लीव्स लेफ्ट लेफ्ट द एटम फर्स्ट। थर्ड, द एटम आफ्टर द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विल बिकम ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर हो गया, क्या एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो जो एटम है वो एटम जो है वो आयोन बन जाता है। सर ये कैसे? क्योंकि आयोन जो है वो हमेशा चार्ज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास AIM में आयोन भी था, याद है बेटा? यस सर याद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस देना इसको बेटा कि ये आयोन बन गया। तो आपका जो ये एटम है, कौन सा वाला? ये वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ने उसको छोड़ दिया। तो ये जो एटम है, ये पूरा एटम जो है वो एक पर्टिकुलर चार्ज ले लेता है, और वो चार्ज क्या होता है? वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो है ये आयोन बन जाता है। तो मैं यहां पे लिख दिया बेटा, ध्यान से देखना क्या लिखे सर। एक की पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है कि ये आयोन बन गया, ठीक है? तो ये जो है ये आयोन बन गया। तो कौन आयोन बन गया सर? इलेक्ट्रॉन आयोन बन गया कि नहीं भैया? एटम आयोन बना है। तो अब जो ये आयोन है, ये या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। फोर्थ पॉइंट, द आयोन इज आइदर आइदर यहां पे ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। ध्यान से सुनना, तो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? तो ये जो पॉजिटिव आयन है इसको हम कैटायन के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोला जाता है? ये जो है ये कैटायन के नाम से जाना जाता है, और नेगेटिव जो है वो एन आयोन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आयोन्स है,
ये या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। तो ये कैटायन जो है वो पॉजिटिव आयन, एनायन जो है वो नेगेटिव आयन है। ये कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक्सेप्ट कर लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिमूव कर देता है। तो पॉजिटिव आयन कब, एटम कब बनता है? व्हेन व्हेन एटम एटम हैव वन लेस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और ये एनायन कब बनता है? व्हेन एन एटम हैव वन मोर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है, नेगेटिव और एनायन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और पॉजिटिव का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है। तो हमारे पास ईडीसी में पॉजिटिव आयन्स भी आएंगे, नेगेटिव आयन्स भी आएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं? फिफ्थ पॉइंट में ये बोल रहा हूं कि एक एटम जो है वो हमेशा कैसा होता है? ये न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर आप इसमें किसी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे तो ये नेगेटिव बन जाता है, किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे तो ये पॉजिटिव बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, अगर ये रिमूव हो जाता है तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस समय कैसा हो जाएगा? ये लेस हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अगर ये प्रोटॉन से लेस हो जाएगा तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो है ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से ज्यादा है। और ये न्यूट्रल कब है? जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये दोनों बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने से क्या बन जाता है? इसका मतलब है ये डायरेक्टली जो है आपका पॉजिटिव आयोन बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर एक एटम हमारे पास है तो वो जो है वो न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि यहां पे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बजाय आप इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसका सीधा साधा असर किस पे पड़ता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बढ़ जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा। इस केस में ये क्या हो जाता है? ये आपका नेगेटिव आयन बन जाता है। सो एटम्स एटम्स विल बिकम नेगेटिव आयन, ये जो है ये नेगेटिव आयन बन जाता है। यहां तक क्लियर है? सभी लोग हरी झंडी दे देंगे भाई, यहां तक क्लियर है क्या? द इलेक्ट्रॉन्स एट आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। व्हेन द एटम एब्जॉर्ब एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स एट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट लेफ्ट द एटम फर्स्ट, द एटम्स आफ्टर इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम।
लेफ्ट विल बिकम ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोन्स. आयोन्स आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. आयोन्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं. एनीथिंग यू वॉन्ट टू क्लियर अबाउट दिस? तो ये सारे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास आयोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है ईडीसी में. सर ईडीसी में आयोन्स का इंपॉर्टेंस है? यस बेटा, ईडीसी में आयोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी इंपॉर्टेंस है, आयोन्स का भी इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो ये है आपका लास्ट स्लाइड जो कि मैंने दिखा दिया. एक एटम है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है. अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से. तो ये जो है ये पॉजिटिव ज्यादा बढ़ गया इसलिए ये पॉजिटिव आयन बन गया. उसी प्रकार एटम्स है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है. एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से. एटम विल बिकम ए नेगेटिव आयन. हाँ यहां लिखा है ना, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हो? नेगेटिव जो है वो एनायन है, पॉजिटिव कैटायन है. प्रिया रंजन, एनी डाउट? नो डाउट. कोई भी डाउट किसी भी के भी दिमाग में नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं रीजन बता रहा हूं व्हाट एंड व्हाई. तो व्हाट व्हाई का कॉम्बिनेशन बनता है कहानी है. और जहां कहानी बनता है वहां चीजें भूलती नहीं है. व्हाट और व्हाई, क्या और कैसे. तो मैं क्या और कैसे को जोड़ा और यह कहानी बना दिया. ठीक है, लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन एटम टू बिकम एन आयोन इज नोन एज, क्या बोला जाता है सर? आयोनाइजेशन एनर्जी. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन एटम टू बिकम एन आयोन इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. जितनी एनर्जी जरूरत पड़ती है कि एटम को आयोन बनने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टर्मिनोलॉजी का हम लोग 1001 बार यूज करेंगे. इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग 1001 बार यूज करेंगे. आयन एटम बनता है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या क्या पूछ रहे हैं यार. एटम आयन बनता है और फ्री इलेक्ट्रॉन अलग होता है. ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड एटम जो है, कैसा कैसा पढ़ते हैं, वो आयन बनता है, फ्री इलेक्ट्रॉन अलग होता है. एटम को आयन बनाया जाता है. एटम न्यूट्रल होता है, आयन चार्ज होता है. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो गोवा में घूम रहा है भाई. कैसा कैसा क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, थोड़ा अच्छा अच्छा सोचो, अपनी क्रिएटिविटी को ध्यान में रखो. 11th 12th 9th 10th 11th 12th पढ़ के आए हो ना? नहीं सर, मैं पैदा हुआ इधर ही आ गया. अरे पैदा हो के आओगे तो नहीं समझ में आएगा. स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट कोर्स है. एटम आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन कैसे आयन बनेगा? इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है भाई, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन है या फिर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है. सर आपने ये क्रैश कोर्स में भी बताया था, दैट्स
डिफरेंस, क्यों नहीं बताऊंगा, क्रैश कोर्स हो या फिर लॉन्ग कोर्स हो या शॉर्ट कोर्स हो, कुछ बातें तो है वो सेम रहेगी ना, कंसेप्ट तो सेम रहेगा। इसका मीनिंग थोड़ा गलत निकल रहा है ना, इसको हम लोग हटा देते हैं। द एटम आफ्टर द इलेक्ट्रॉन लेफ्ट विल बिकम एन आयोन, इसलिए पूछ रहे हैं। इसमें काफी सारी चीजों को मर्ज करने का सोचा था, विल बिकम एन आयोन ऐसा लिख देते हैं। कंफ्यूजन दूर, कंफ्यूजन दूर, यस सर कंफ्यूजन दूर। द एटम आफ्टर द इलेक्ट्रॉन लेफ्ट विल बिकम एन आयोन, थोड़ा सा स्टेटमेंट इधर उधर हो गया था। खुद से क्रिएट करते हैं, क्रिएटिविटी है, रट के तो नहीं आते हम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को सुधार लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन एटम टू बिकम एन आयोन इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड स्टेटमेंट को इधर उधर लिखे होगे तो सुधार लो बेटा। जिंदगी में जब चीजें रटती नहीं है, चीजें समझ के लिखते हैं, तो कई बार स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है। ठीक है, यहां तक। द एटम आफ्टर द इलेक्ट्रॉन लेफ्ट विल बिकम एन आयोन, तो एटम जो है वो आयोन बन रहा है। आयनाइजेशन इन एनर्जी इज नॉट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। So, अगर किसी को आयोनाइजेशन एनर्जी में कंफ्यूजन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू टू आउट ऑफ द एटम। आगे बढ़े। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू आउट ऑफ द एटम। ठीक है, तो ये जो है ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। उसी प्रकार आयोनाइजेशन एनर्जी को और तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट को समझना कि कोई एटम जो है किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में।
ठीक है, ज्यादा लिखेंगे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, या फिर कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दे, दोनों कंडीशन में आपका एटम जो है वो आयनाइज हो जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कैन ऑल्सो बी स्टेट एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एट इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू आउट ऑफ द एटम। तो ये दोनों कंडीशन को आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। तो एक दोनों कंडीशन में आपका एटम जो है वो आयनाइज्ड हो रहा है। इस कंडीशन में एटम जो है वो आयनाइज्ड होके एक नेगेटिव आयन बन रहा है, और यहां पे एक नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां पे आपके पास एक पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आई थिंक दैट आई हैव क्लियर राइट नाउ व्हाट आई वांट टू से। तो अब शायद आप लोग सभी क्लियर होंगे कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब मैंने एक सॉलिड की बात की, तो सॉलिड जो है वो नंबर ऑफ एटम से बनता है ना। एक सॉलिड जो है वो एक सिंगल एटम से नहीं बनता, काफी सारे एटम से बनता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिड है, और ये सॉलिड जो है इसके थ्री डायमेंशन व्यू हम लोगों देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपका थ्री डायमेंशनल व्यू है। तो इसके अंदर काफी सारे एटम्स है, इसके अंदर काफी सारे एटम्स है। तो ये जो है ये एक एटम नहीं है, एक आइसोलेटेड एटम से नहीं बना है, ये काफी सारे एटम से बनता है। तो मैंने यहां पे एक एटम बनाया, यहां पे दूसरा एटम बनाया, यहां पे तीसरा एटम बनाया, यहां पे चौथा एटम बनाया, यहां पे पांचवा एटम बनाया। उसी प्रकार यहां पे मैं धीरे धीरे एटम्स को बढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो दो एटम्स है, किसी भी दो एटम्स को हम लोग पकड़ लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम इंटर एटोमिक डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनते रहेंगे, नई कहानी नए दौर पे आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जो है एक एटम्स के बीच में और दूसरे एटम्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इंटर एटोमिक डिस्टेंस। ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज इंटर एटोमिक, ये क्या कहलाता है, इंटर एटोमिक डिस्टेंस, ठीक है। अगर इस इंटर एटोमिक डिस्टेंस को हम क्लोज करें, तो जैसे ये जो इंटर एटोमिक डिस्टेंस है, इन दोनों को मैं ऐसा धीरे धीरे पास लाते रहूं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों एटम्स जो है वो इंट्रैक्टिव हो जाते हैं। इंट्रैक्टिव का मतलब ये दोनों एटम्स एक दूसरे से कुछ शेयर करने लगते हैं। तो ये दोनों जो एटम्स है ये इंटरैक्टिव एटम्स है, इंटरैक्टिव एटम्स है। और जब भी दो एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में ये दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड तैयार होता है, ठीक है, एक बॉन्ड तैयार होता है। और ये बॉन्ड डिफरेंट तरीके का हो सकता है, ये आयनिक बॉन्ड हो सकता है, ये कोवालेंट बॉन्ड हो सकता है, ये मेटलिक बॉन्ड हो सकता है, ये डाइपोल बॉन्ड हो सकता है, ये डिस्पर्शन बॉन्ड हो सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, कई भांति भांति के बॉन्ड हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोग एक सेमीकंडक्टर की बात करें, ध्यान से सुनते रहना, सेमीकंडक्टर की बात करें, जब फॉर एग्जांपल सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की बात करें, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उस समय ये जो बॉन्ड बनता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये किससे बनता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग एक नाम से जानते हैं, डेट इज नोन एज कोवालेंट बॉन्ड। इसका मतलब है जब भी आप इंटर एटोमिक डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं, आपका एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगता है, आपका एटम्स जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगता है। जब भी एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। कहानी है भाई, कहानी है, कहानी में कुछ भी नई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने लगती है जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है,
तो उस समय जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो इसी प्रकार आयोनिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, हमको उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के। तो सर ये दोनों एटम्स के बीच में कुछ शेयर नहीं हो रहा है? नहीं, जब तक आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस नहीं करोगे तब तक इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। जब तक आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस नहीं करोगे तब तक इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। जब तक आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस नहीं करोगे तब तक इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। जब तक आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस नहीं करोगे तब तक इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। जब तक आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस नहीं करोगे तब तक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। इसका मतलब है सर आप बार बार क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए या फिर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? अगर हम लोग सिलिकॉन के बारे में बात करें तो ये जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है जहां पे ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो लगभग 5 एमस्ट्रॉन्ग के डिस्टेंस पे बनाता है। 5 एमस्ट्रॉन्ग का मतलब है 5 × 10⁻⁻¹⁰ मीटर। ये इतने डिस्टेंस पे होने के बाद ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर इतने डिस्टेंस पे नहीं है तो ये जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता तो ये सॉलिड सेमीकंडक्टर नहीं बन पाता। तो इस केस में हम लोग जब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो ये जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, ध्यान से सुनना, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है ये जो है ये बॉन्ड बनाता है किसके बीच में? बिटवीन एटम्स। ये किसके बीच में बॉन्ड बनाता है? ये बिटवीन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और जब भी हम लोग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो ये जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। की पॉइंट्स लिखते रहेंगे, ये क्या है बेटा? ये आपके की पॉइंट्स है जिसकी आप डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहले लिख दिया कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का जो एटम्स है वो बॉन्ड बनाते हैं, बिटवीन एटम्स। और उस समय एटम्स के बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना होता है? ये जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 एमस्ट्रॉन्ग के आसपास होता है। जब तक इतने डिस्टेंस में नहीं आएगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड तैयार नहीं होगा। तो यह थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि एट दिस डिस्टेंस ये जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स टेक्स प्लेस। और इसी शेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड द बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमको फिर से पता चल गया ये क्या है, व्हाट पता चल गया, लेकिन व्हाई? तो क्वेश्चन ये आता है सर, कहानी को बनाते रहिए आप। मैंने बोला फोर्थ पॉइंट, सो व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड? ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाया? व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड? तो कोई भी एटम बॉन्ड उसलिए बनाता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। द एटम एटम विल बिकम स्टेबल। और क्वेश्चन ये आता है कि कब एटम स्टेबल होता है? सो व्हेन एटम विल गेट स्टेबल, स्टेबिलिटी। तो एटम कब स्टेबल होता है? फिफ्थ पॉइंट, व्हेन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स एट इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अगर उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यहां पे ऑर्बिट लिखा है मैंने या फिर एनर्जी लेवल या फिर शेल। व्हेन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स एट इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और टू कंप्लीट, इसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, एटम
इज सेड, एटम इज सेड टू बी स्टेबल, तो उस केस में एटम को हम लोग स्टेबल बोलते हैं. When atom has 8 electrons at its outermost orbit to complete its octet, atom is said to be stable. तो उस समय एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है. कोवालेंट बॉन्ड है ये जो है, ये कोवालेंट है. कोवालेंट, अरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया. कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है. एट दिस डिस्टेंस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स टेक्स प्लेस एंड द बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड. व्हाई कोवलेंट बॉन्ड? एटम्स विल बिकम स्टेबल, वो स्टेबल होना चाहता है. व्हेन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स एट इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एटम इज सेड टू बी स्टेबल. तो मैंने काफी सारी बात आपको बता दी, लेकिन विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है. क्या जरूरी है सर? विजुअलाइजेशन जरूरी है. तो अब हम लोग एटम्स को बनाते हैं, ठीक है. तो किसी भी सॉलिड में, तो एक सॉलिड जो है वो एक्चुअली क्रिस्टलाइन होता है, या फिर ये पॉली क्रिस्टलाइन हो सकता है, या फिर ये एमरफस हो सकता है. ये तीन प्रकार का सॉलिड हो सकता है. क्रिस्टलाइन हो सकता है, पॉली क्रिस्टलाइन हो सकता है, या फिर एमरफस हो सकता है. तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होता है? मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिड है और मैंने बोला कि ये क्रिस्टलाइन है. इसका मतलब है कि इस सॉलिड में हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है, जिसको हम लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं. ध्यान से सुनते रहेंगे. तो ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये मेरे पास. सिमिलरली यहां पे एक पॉइंट है, 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 और इन सारे पॉइंट्स में हमारे पास एटम्स प्लेस्ड है. यहां एक एटम है, यहां एक एटम है, यहां पे एक एटम है, यहां पे, यहां पे एक एटम है, यहां पे एक एटम है, यहां पे एक एटम है, यहां पे एटम है. तो ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दिस पॉइंट वेयर द एटम्स आर एग्जिस्टिंग आर नोन एज लैटिस पॉइंट्स. ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये पॉइंट जो है वो लैटिस पॉइंट्स बोला जाता है. इस पॉइंट्स को हम लोग लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं. और ये क्या है? ये हमारे पास एटम्स है. तो कभी भी किसी भी सॉलिड में, ये हमारे पास एक सॉलिड है, इस सॉलिड में अगर लैटिस पॉइंट या फिर एटम्स, लैटिस पॉइंट या फिर एटम्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड हो, है ना, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो या फिर डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में अरेंज हो, तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं. जैसे कि ये जो है, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि यहां पे एटम्स जो है वो पर्टिकुलर ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज्ड है. इसी प्रकार अगर मेरे पास एक और सॉलिड है, ध्यान से देखते रहेंगे, फटाफट से पूरा एनालिसिस हो जाएगा, आपकी जिंदगी कल से बदल जाएगी. सर जिंदगी बदल जाएगी इसका मतलब क्या? सर आपको सारी बातें समझ में आने लगेगा. एक और सॉलिड है जिसमें हमारे पास लैटिस पॉइंट्स है, लेकिन ये जो लैटिस पॉइंट है ये कहीं भी है, मतलब इसमें कोई मैनर नहीं है, है ना, ये कहीं भी अरेंज है ऐसे. और इस लैटिस पॉइंट पे हमारे पास यहां पे एटम्स है, यहां पे एटम्स है, यहां पे एटम्स है, यहां पे ये एटम्स है ऐसे. इसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, कोई कहीं भी है. तो इस तरीके के सॉलिड को
हम लोग एमरफस सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां पे कोई भी मैनर नहीं है, एमरफस। सिमिलरली मेरे पास एक और सॉलिड है, एक और सॉलिड है, ठीक है, एक और सॉलिड है। और इस सॉलिड में भी एटम्स का अरेंजमेंट है, तो यहां पे भी हमारे पास लैटिस पॉइंट्स है, एक दो तीन, फिर एक दो तीन, फिर एक दो तीन, फिर थोड़े दूर के बाद यहां पे फिर से एटम्स का अरेंजमेंट, एक दो तीन, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे एक एटम बना दिया, यहां एक एटम बना दी, यहां एक एटम बना दी, यहां एक एटम बना दी, यहां एक एटम, यहां यहां यहां, फिर यहां पे कुछ ऐसा है, तो आप इस सॉलिड में देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये अपना एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, और ये जो एरिया है ये अपना एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है यहां पे ये एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन है, और ये जो है ये भी क्रिस्टलाइन है, और इसको हम लोग एक्चुअली में ग्रेन के नाम से जानते हैं, और ये जो है ये एक ग्रेन के नाम से जाना जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन, मतलब यहां पे एक क्रिस्टल नहीं है, यहां पे एक से ज्यादा क्रिस्टल है। सो ये जो है ये पॉली क्रिस्टलाइन इसको बोला जाता है। तो ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये आपका एमरफस है, और ये पॉलीक्रिस्टलाइन है। तो इसमें सबसे बेटर जो प्रॉपर्टी होती है ये क्रिस्टल की होती है, इसकी प्रॉपर्टी बेस्ट प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, मोबिलिटी। तो यहां पे मोबिलिटी को इंट्रोड्यूस नहीं करते, आप जो पढ़ चुके हैं, तो इसकी बेस्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग जब एक सॉलिड क्रिस्टलाइन बनाते हैं तो इस सॉलिड क्रिस्टलाइन की बेस्ट बेस्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। तो हमारी ये कोशिश रहती है, क्या कोशिश रहती है? हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जब सिलिकॉन को यूज करके एक सेमीकंडक्टर बनाएं, और सेमीकंडक्टर अगर सॉलिड है तो उसको हम लोग सिंगल क्रिस्टलाइन या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में बनाएं। तो इसका मतलब है कि हम जब सिलिकॉन को यूज करके एक सॉलिड बनाना चाहते हैं तो यहां पे सिलिकॉन को यूज करके यहां पे जब सॉलिड बनाना चाहते हैं तो ये जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हम बनाना चाहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाना चाहते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसकी बेस्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, तो ये मैंने बताया वाट, लेकिन वाई का आंसर मैं आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? उसके पहले कुछ चीजें हम लोग यहां पे पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि सिलिकॉन जो है वो सॉलिड होता है, सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका मतलब है यहां पे एटम्स का अरेंजमेंट एकदम बेस्ट वे में होता है, एकदम ऑर्डर्ड मैनर में। और आपको मैंने ये भी बताया कि एटम्स के बीच में इंटरएटमिक डिस्टेंस बहुत लेस होता है। तो जब हम लोग वेन एवर वी आर रिड्यूसिंग द इंटरएटमिक डिस्टेंस, सो वेन यहां पे लिखें वेन वी रिड्यूस रिड्यूस द इंटर इंटर एटोमिक डिस्टेंस,
जब हम इंटर एटमिक डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑर्बिट ऑफ एटम्स ये जो है ओवरलैप, ये ओवरलैप करता है विथ द आउटर मोस्ट, विथ द आउटर मोस्ट एटम, विथ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑर्बिट ऑफ नेबर एटम. व्हेन वी रिड्यूस द इंटर एटमिक डिस्टेंस, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम ऑर्बिट ओवरलैप्स विथ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ नेबर एटम. तो जब आप इंटर एटमिक डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं तो एक ऑर्बिट, एक एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट दूसरे एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ओवरलैप करता है. तो अगर ऐसी ओवरलैप होती है तो उसी का रिजल्ट होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. ठीक है, तो मैंने आपको ये ओवरलैपिंग दिखा दिया है, मैंने आपको ये ओवरलैपिंग जो है वो इस डायग्राम में दिखाया है. तो हमको ना इनर शेल या फिर इनर ऑर्बिट से कोई काम नहीं होता है. वी डोंट हैव एनी वर्क विद द इनर ऑर्बिट्स. इनर ऑर्बिट से हमको कोई भी वर्क नहीं होता है. हमारा जो भी काम होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होता है. आई जस्ट राइट हेयर, आई जस्ट राइट हेयर कि इन सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर वी जस्ट इग्नोर इग्नोर द इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर ऑर्बिट्स एंड वी हैव टू डू ऑल द एनालिसिस एनालिसिस विथ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. यहां तक सभी को क्लियर है? एनी डाउट टिल नाउ? मैं एक एक करके पॉइंट आपको क्लियर करता जा रहा हूं, स्मार्ट कोर्स है, फटाफट बताता जा रहा हूं. तो अगर आपको कहीं भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी. स्मार्ट कोर्स है, स्मार्टली हम लोग हैंडल कर रहे हैं. कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो एक बार मुझे याद कर लेना. हम लोग का स्पीड ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है. सिलेबस मेरे हाथ में है, मैं कंप्लीट करवा दूंगा. ठीक है सर, प्रीवियस स्लाइड समझो.
ठीक है, तो किसी किसी का डाउट हो सकता है कि सर अगर मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, और ये एक दूसरा एटम है, तो सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये जो ओवरलैप होता है, तो इसकी ओवरलैपिंग सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही क्यों होती है ना? इसकी ओवरलैपिंग सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्यों होती है? तो आपके डाउट को मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए हमारा न्यूक्लियस कैसा होता है, ठीक है, हमारा न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स जो है ये बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप इंटरएटमिक डिस्टेंस को डिक्रीज करते रहते हैं, तो इसके न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेकेंड और सेकेंड एटम, सो दिस इज फर्स्ट एटम, दिस इज सेकेंड एटम, दिस आर टू एटम्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस का, ये एक दूसरे को रिपल करता है, न्यूक्लियस विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज यहां पे प्रोटॉन्स ज्यादा होता है, इट रिपल्स ईच अदर, इट रिपल्स रिपल्स ईच अदर ईच अदर एज वी आर डिक्रीजिंग द एज वी आर डिक्रीजिंग एज वी आर डिक्रीजिंग द इंटर एटोमिक एटोमिक डिस्टेंस। तो ये रिपल वर्ड को ध्यान से समझो कि जैसे जैसे आप इंटर एटोमिक डिस्टेंस को रिड्यूस करने का सोचोगे, सर मैं क्या सोच रहा हूं कि ये जो एटम है इस एटम को और पास ले आऊं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक फिक्स्ड डिस्टेंस के बाद न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे का रिपल करने लगता है। अगर न्यूक्लियस रिपल करने लगता है, इसका मतलब है किसी एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे जब आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ओवरलैप होता है, वो कितना डिस्टेंस है? वो 5 एमस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस है। उस कंडीशन में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, हमारा काम हो गया, उसके बाद हम कोशिश भी नहीं करते, और कोशिश करेंगे तो कामयाब भी नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों का न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे को रिपल करने लगता है। मैंने वही लिखा न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन्स वहां पे मोर है, इट रिपल्स ईच अदर एज वी आर डिक्रीजिंग द इंटर एटमिक डिस्टेंस। तो जैसे जैसे आप इंटर एटमिक डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, वैसे वैसे न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे को रिपल करेगा। सो बियॉन्ड बियॉन्ड 5 एमस्ट्रॉन्ग वी कैन नॉट कैन नॉट डिक्रीज डिक्रीज द इंटर एटोमिक डिस्टेंस, उससे ज्यादा आप डिक्रीज नहीं कर पाएंगे इंटर एटोमिक डिस्टेंस, है ना? तो ये 5 एमस्ट्रॉन्ग जो है वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। सो बियॉन्ड 5 एमस्ट्रॉन्ग वी कैन नॉट डिक्रीज द इंटर एटोमिक डिस्टेंस बिकॉज द न्यूक्लियस इज रिपलिंग ईच अदर। यहां पे न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे को रिपल कर रहा है। तो मान लीजिए यहां पे मेरे पास एक एटम है, यहां पे एक एटम है, ठीक है, यहां पे एक एटम है, यहां पे एक एटम है, और यहां पे एक एटम है। जो भी कहानी मैंने आपको बताई है, उस कहानी के अनुसार इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर क्यों 4 होंगे? अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक सिलिकॉन का एटम है, ये कौन है? ये सिलिकॉन है, 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 और ये जो है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अवेलेबल है। इसका मतलब है सब एक ऑर्डर्ड फैशन में है। तो हम लोग अगर यहां पे बात करें कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है क्या? 14। अगर ये 14 है तो 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन यहां पे हमारे पास है 3s2,
देन थ्री पी टू, ऐसा होगा, फटाफट से समझ लेंगे। तो ये इसके आउटर मोस्ट शेल या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो कि थर्ड ऑर्बिट है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? चार इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है ये जो ऑर्बिट मैंने ड्रॉ किया है ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, व्हाइट कलर से ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और आपको यहां पे दिख रहा होगा कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसी प्रकार इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि सिलिकॉन के एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स है। अब किसी सिलिकॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितने और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? सर और चार की जरूरत है, क्योंकि टोटल आठ इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये है इसके चार इलेक्ट्रॉन्स, ये है इसके चार इलेक्ट्रॉन्स, ये है इसके चार इलेक्ट्रॉन्स और ये है इसके चार इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए ऐसे हो गया। अब सेंटर वाला एटम है, ये एटम मान लीजिए हीरो है, क्योंकि ये बड़े चालाकी से अपने आठ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसको चाहिए ताकि ये स्टेबल हो सके, ये ले लेगा अपने चार पड़ोसी एटम से। तो अगर ये ले लेगा तो डेफिनेटली ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो यहां पे चार कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। यहां से हमको एक आइडिया लगा, क्या आइडिया लगा कि सर एक कोवेलेंट बॉन्ड पे, एक कोवेलेंट बॉन्ड पे, एक कोवेलेंट बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट। तो अगर दो एक कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं तो इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो ये सभी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और ये जो सेंटर वाला एटम है, ये जो सेंटर का एटम है, ये अपने एट इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट जो है इसने कंप्लीट कर लिया, एट इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट जो है इसने कंप्लीट कर लिया। तो ये जो डायग्राम मैंने यहां पे बनाया है, इस डायग्राम को हम किस नाम से जानते हैं? इस डायग्राम को हम बॉन्ड डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो बॉन्ड डायग्राम में हम क्या शो करते हैं? बॉन्ड डायग्राम में हम एटम्स को शो करते हैं और उसके अलावा उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, और उसके अलावा क्या शो करते हैं? उसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड को शो करते हैं। और ये जो है ये क्रिस्टल है, तो ये जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें एटम्स जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड तैयार हो गया है। किसी को कोई डाउट? किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट? ये 5 mm 6 mm क्या ला रहे हो रवि रंजन? वो कहीं भी इससे रिलेटेड नहीं है बेटा। 5 mm 6 mm टेक्नोलॉजी इज नॉट रिलेटेड विद दिस कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज द मॉस्फेट चैनल लेंथ। वो चैनल लेंथ का नाम है, तो चैनल तो अभी तक बना ही नहीं, लेंथ कहां से आ रहे हो? अपने मन की बात नहीं करनी है एडीसी में, अपने मन से कहीं से कुछ भी लेके आके जोड़ना नहीं है। मन की बात सिर्फ संडे को मोदी को करने दीजिए, ठीक है? तो ये 5 mm ये वाला नहीं है। 5 mm स्ट्रॉन्ग इज नॉट रिलेटेड टू 5 mm, 5 mm स्ट्रॉन्ग कहीं से भी 5 mm से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? तो वो अलग चीज है। वन एम स्ट्रॉन्ग
इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 मीटर। सजदा परवीन थैंक यू बेटा, जस्ट एंजॉय। 23 स्लाइड्स हम लोगों ने पढ़ लिया है और ये बढ़िया सा बॉन्ड डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है। अब आपसे मैं पूछूंगी सर इस एटम में क्या दिखता है? सर इस एटम में मेरे को सब कुछ दिखता है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी दिखते हैं, न्यूक्लियस भी दिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर के भी दिखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी दिखते हैं। सर मेरी आंखें खुल गई है, मेरी आंखें खुल गई है सर। ये पूरा चीज आपने जो भी यहां पे बनाया है ये सब दिखता है। इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि सर क्या पता है बेटा, सर अगर आप यहां पे कोई एनर्जी देते हैं ना तो ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सबसे पहले भागेंगे कहां? गोवा। तो अगर यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टिंग जरूरी है कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए और एक इलेक्ट्रॉन यहां से भाग गया गोवा कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ के, कब? जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड किया एक्सटर्नली, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जब गोवा चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बन गया सर? ये इलेक्ट्रॉन बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है गोवा में। लेकिन ये जो अंदर है जहां से ये इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पे इसका बेड जो है वो वेकेंट हो गया, यहां पे एक एनर्जी स्टेट्स खाली हो गए। सर ये सभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट्स में है ना? यस बेटा, ये सभी इलेक्ट्रॉन इट इज रिसाइडिंग इन द एनर्जी स्टेट्स। ये मत भूलिएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी स्टेट्स में अवेलेबल है। तो यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन चले गया और उसके पीछे यहां पे हमारे पास इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे पास एक वेकेंट एनर्जी, एक वेकेंट या फिर खाली एनर्जी स्टेट रह गया है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की कहानी, और इसी वेकेंट एनर्जी स्टेट्स को हम नाम रखते हैं होल्स। क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं, ये सभी बात हम करेंगे, क्योंकि व्हाट के बाद हम लोग वाई भी समझते हैं, और व्हाट और वाई जब एक दूसरे से मिलता है तो बनता है हमारा कंसेप्ट। तो आप व्हाट और वाई को कभी भूलिएगा मत। सिली डाउट था वो भी छुमंतर हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमको मिला फ्री इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे मिला हमको एक नया चीज डेट इज नोन एज होल्स। तो सर यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम है सर? इसका नाम है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये फंसा हुआ है कहां? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। और ये इस सिलिकॉन अपने पेरेंट्स के प्यार में भी फंसा हुआ है, तो ये बाउंडेड है और ये फ्री है। ये पैसा लेके भाग गया सर, इसको 10,000 रुपया मिला, ये सीधे गोवा भाग गया। ये 10,000 रुपये क्या है सर? ये 10,000 रुपये एनर्जी था, ये एनर्जी लेके भाग गया। सर कभी इसके पास ये 10,000 रुपये खत्म होगा तो क्या ये वापिस आएगा? क्या एनर्जी इसकी खत्म हो जाएगी तो वापिस आएगा? यस, अगर एनर्जी इसकी खत्म हो जाएगी तो ये वापिस भी आता है, ये वापिस अपने एनर्जी स्टेट में भी आता है, ठीक है। अंशुमन थैंक यू बेटा, बेहतरीन समझ रहे हो, बेहतरीन मजा आ रहा है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पढ़ के। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये वापिस आता है अपने मम्मी पापा के पास, ये वापिस आएगा। मम्मी कौन है इसकी? मम्मी इसकी है न्यूट्रॉन, और पापा कौन है? प्रोटॉन। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास वापिस आएगा। कब आएगा? जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चला भी जाता है, ये वापिस भी आता है। जब इसके पास पैसा खत्म हो जाएगा, गोवा में इसने अपने लिए एक सीट बुक करवाया है और उस सीट का नाम है एनर्जी स्टेट्स। तो ये भी है, ये भी एक एनर्जी स्टेट्स में ही लाई करता है। ओयो सीट बुक करवाया है, ओयो बुक करवाया है ये, है ना। तो यहां पे ये गोवा में बैठा हुआ है, उसके बाद ये 10,000 रुपये खत्म हो जाएगा, ये वापस भी आएगा। तो ये सब कहानी गजब है, गजब कहानी है, गजब अंडरस्टैंडिंग है। बस आपको ये चाहिए कि आपको समझना क्या है वहीं पे समझिए।
तो हम लोगों ने ये पता कर लिया कि क्या क्या चीजें होती है, क्यों होती है, कैसी होती है, और आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कल की क्लास में फटाफट से हम लोग पढ़ लेंगे कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है, और उसको पढ़ने के बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे हमला करेंगे कुछ कुछ नए टाइप के, ठीक है।